उनको देख के अच्छा हाँ एक बुड्ढा चला रहा था, हम भी चला सकते हैं। हम घूम रहे हैं यार इसके चारों तरफ और ये काफी बड़ा है, बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा है। और यहाँ से तो रास्ता चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आगे बंद है, ऊपर जाना पड़ेगा। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक में निकल गया था और आज मैं अकेले नहीं हूँ, आज हम तीन लोग हैं। ये तो बड़े भैया और ही, हेलो सर, पैर छूते आप। तो इनकी एज है 76, 76 साल की एज में साइकिलिंग कर रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। लेकिन ये इनकी साइकिल उधर, बीच में हमारी, इधर भैया की, और पूरा हेल्थ देख रहे हो अभी, जैसा लग रहा है कि अभी 40+ हैं बस। लेकिन साइकिलिंग का यही कमाल होता है। तो अभी हम लोग आ गए थे, ये कौन सी जगह है, ये जगदीशपुर ताल। ये जगदीशपुर ताल, और यहाँ की खास बात ये है कि जो साइबेरियन पक्षी होते हैं जो आते हैं, अब ठंडी में आने शुरू हो जाएंगे, जो ऊपर बहुत सारी एक एक लाइन से जो आते हैं। सबसे बड़ा मानव निर्मित इंसानों द्वारा बनाया गया हुआ ये एशिया का सबसे बड़ा ताल। अच्छा, तो ये है यार एशिया का सबसे बड़ा ताल, और वो भी मानव निर्मित, ये लोगों द्वारा बनाया गया है, इसमें कोई मशीन नहीं काम की है, कोई कुछ नहीं है, मानव निर्मित है। तो अभी हम यहाँ हैं और घूम के और आगे का दिखाते हैं आप लोगों को कि आगे कैसा है। तो हम घूम रहे हैं यार इसके चारों तरफ और ये काफी बड़ा है, बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा है यार, तो बड़ा तो रहेगा ही। और आज दो लोग हो गए, दो और हम तीन लोग, आज यार लग रहा है कि हाँ वास्तव में साइकिलिंग कर रहे हैं। और ऐसी ऐसी जगहों पे घूमने का मौका हमेशा कहाँ मिलता है यार, जो एक इतिहास है वैसी वैसी जगह पे घूमने का मौका हर बार नहीं मिलता है। तो जब पहुँच गए हैं तो भाई ऐसी ऐसी जगह मिस थोड़ी करना है। और इधर अपने भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, सब्जी की व्यवस्था, मछली पकड़ रहे हैं इसी में। और यहाँ से तो रास्ता चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आगे बंद है, ऊपर जाना पड़ेगा। और घूमते घूमते बहुत आगे तक निकल गया, लेकिन ये नहीं खत्म हो रहा, इतना बड़ा है। और इसी से ये नहर भी निकल के गई सिंचाई के लिए। और मैं बता दूं कि इसको बनाया क्यों गया था, इसको बनाने का मेन रीजन ये था कि जब बरसात होगी तो बरसात का पानी स्टोर करने के लिए, क्योंकि बाकी के दिनों में पानी की दिक्कत ना हो, इसके लिए इसको बनाया गया था कि बरसात के दिनों में यहाँ पे पानी स्टोर कर लिया जाए। और यहाँ से छोटी छोटी नहरें निकल के बाहर गई हैं गांव में फसलों की सिंचाई। हम भी किस्मत वाले ही हैं जो ऐसी ऐसी जगहों पे जाके ट्रेवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो मेन कनाल, उसके बाद अच्छा डिविजन कनाल। और अंकल जी की साइकिल भी, ये है इलेक्ट्रिक है। क्योंकि अब एज ज़्यादा हो गया है तो संग में नहीं चल पाते हैं, थोड़ा पीछे हो जाते हैं, तो अपना चाबी ऐड देते हैं, फिर संग में आ जाते हैं। क्योंकि इस एज में ट्रैवलिंग करना, साइकिलिंग करना सबके बस की बात नहीं है। 76 साल, बस 4 साल बाद 80 के हो जाएंगे। तो अभी आ गए दूसरी साइड, और यहाँ से बोटिंग भी होती है यहाँ पे, अभी तो सब बंद है क्योंकि अभी कोई नहीं। ये तीन कमल के फूल हैं, एक वहाँ पे है, दो यहाँ पे। इतना डार्क पिंक मैंने नहीं देखा अभी कहीं तक, बिल्कुल व्हाइट मिक्स देखा है, रेड व्हाइट पिंक मिक्स देखा है, लेकिन ये यार इतना डार्क है ना, यहाँ से तो ज़्यादा क्लियर भी नहीं दिख रहा। और ये यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत स्टैचू बनाए गए, क्योंकि ये जो साइबेरियन पक्षी आते हैं यहाँ पे, उन्हीं की स्टैचू बनाए गए हैं यहाँ पे, और काफ़ी सुंदर दिख रहा है यार, बहुत प्यारा। और बाकी हमारे आज के सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के दोस्त, और
इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा भी गया है, वो कलरफुल नहीं है, पेंट ख़त्म हो गया है। साइबेरियन पक्षी मछली, और ये ताल कब बना हुआ है, ये सारा डिटेल इस पे है। अभी आ गए थे यहाँ के छोटे से होटल में और हम खाते हैं यहाँ पे मटर, इधर हमारे भैया और अंकल जी केवल मटर खा रहे हैं कि समोसे भी हैं उसमें। तो पकौड़ी दे दो सर। ये सुबह सुबह अब यहाँ से वापस हो जाएंगे क्योंकि सामान भी सारा अभी हमारा उधर ही पड़ा है। और ये क्या पकौड़ी, ये किस चीज़ का है? आलू। अच्छा आलू। ये सुबह सुबह का आ गया नाश्ता। और हम तो अंकल जी के बारे में सोचते हैं कि इस एज में हम लोग के साइकिलिंग करते, आप देख रहे हो एज इनकी, हाँ बस 80 बस जस्ट पहुंचने वाले हैं और इस टाइम पे संग में साइकिलिंग कर रहे हैं। और नंबर कोई मायने नहीं एक बुड्ढा चला रहा था, हम भी चला नहीं, सकते हैं। इससे अब हम लोगों का हौसला और बढ़ता है कि एज 80 तक पहुंच गए ये सब कर रहे हैं। और हेल्थ बिल्कुल फिट, साइकिलिंग की यही पावर है। तो अभी ताल से वहां से निकल गए थे नाश्ता वास्ता करके और सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक में हम यहाँ पे घूम भी रहे। तो अभी आ गए हैं हम लंबू सागर और दिखाते हैं अंदर क्या है और बताते भी हैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही कि यहाँ पे क्या चीज़ है। ये यहाँ का मेन गेट और ये बिल्कुल जैसे लुम्बिनी में सब कुछ डिजाइन किया गया है बिल्कुल वही डिजाइन यहाँ पे भी है। गेट की डिजाइन बिल्कुल वहीं की तरह है। सामने बोर्ड है वहाँ से बताते हैं आपको कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। और अभी हम आ गए दूसरे ताल के पास और इसके बारे में बताते हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में बौद्धिस्टों का नरसंहार करके और इसी में दफनाया गया था। ये वो ताल है, अब ये एक तालाब का रूप ले लिया है। यहाँ पे एक गड्ढा खोद के और हजारों की संख्या में जो मार के बौद्धिस्टों को और दफनाया गया था, ये वो जगह है। तो सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक में ये सब हम घूमते चल रहे हैं और छोटी छोटी जानकारी जो काफ़ी अहम है हमारे इतिहास है वो चीज़ आपको दिखाते चल रहे हैं। तो चलते हैं आगे। और अभी हम यहाँ से वापस हो गए और अंकल जी इतने फिट यार, हम तो ये सोच रहे हैं कि 80 साल की एज में देख रहे हो, लग रहा है कि इनकी एज 80 है। और आगे बढ़े भैया, अब हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि इधर घूम ली। सबसे मेन चीज़ था यहाँ पे कि यहाँ का जो मानव निर्मित एशिया का सबसे बड़ा ताल था यहाँ घूमना था क्योंकि जो साइबेरियन पक्षी आते हैं सब यहीं स्टे करते हैं और 6 महीने यहाँ रुकते हैं, इसके बाद फिर चले जाते हैं। तो शायद अगर मौका हुआ, टाइम मिला, तो बीच में ज़रूर आएंगे। और जो बीच में आने का वो जो वीडियो होगा ना वो बहुत यार खूबसूरत होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं आगे।